वर्ण विक्षेपण, जिसे आजकल एक नया नाम दिया गया है परिक्षेपण। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की घटना क्या होती है। ठीक है, अगर अभी हम आपको कांच का एक प्रिज्म दे दें, गुटका टाइप का, और उसे आप सूर्य की ओर करके देखोगे तो जो उसमें प्रकाश आता रहेगा आपको रंग बिरंगी दिखता रहेगा। माने प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश गुजरा, लेकिन जो बाहर निकला प्रिज्म से वो कई कलर में निकला, आपको रंग बिरंगी प्रकाश दिखता है। कभी कभी बेटा जब बारिश वगैरह होती है तो आसमान में भी ऐसे लंबे से धनुष जैसी रेखा बनती है, और जिसमें अलग अलग जो है सात रंग माने रंगीन पट्टियां दिखती हैं। गांव देहात में उसे इंद्रधनुष कहते हैं, कहते हैं कि इंद्रधनुष आसमान में बनी हुई है। ठीक है, तो इसी घटना के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो श्वेत प्रकाश है ये तो देखने में तो एक ही कलर में दिखता है, लेकिन जब प्रिज्म से गुजरने देते हैं तो ये कई सारे कलरों में डिवाइड होता है, रंग बिरंगे दिखता है। ऐसा क्यों और ये क्या है, ऐसा क्यों होता है और ये है क्या कि श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरे और रंग बिरंगे दिखने लगे, माने भिन्न भिन्न रंगों में दिखने लगे। तो ये तो समझ में आया कि ये जो श्वेत प्रकाश है वास्तव में ये कई रंग की किरणों का समूह है, सम्मिक्स्ड है, हर कलर मिल करके श्वेत रंग बना है। लेकिन जब प्रिज्म से गुजरे तो सभी रंग की किरणें डिवाइड हो गई, अलग अलग दिखने लगी, और इसलिए जो है ये समझ में आया कि प्रकाश प्रिज्म से जब प्राप्त होता है, बाहर आता है, निकल कर दिखता है, तो वो रंग बिरंगी दिखता है। कुल साइंटिस्टों ने कलर्ड गिना है कि सात रंग की किरण पट्टियां दिखने लगती हैं जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है। इसका मतलब ये हमारा जो श्वेत प्रकाश है जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है, ये सात प्रकार के किरणों का समूह है, सात अलग अलग रंग की किरणें मिल करके श्वेत प्रकाश में बदल कर प्राप्त होती हैं। तो ये हमारा जो श्वेत प्रकाश एक रंग का या श्वेत रंग का दिखता है, रियली इसमें सात अलग अलग कलर की किरणें शामिल हैं और वो मिक्स कलर हमें श्वेत दिखाई देता है। इधर क्लियर, मिक्स कलर कैसा दिख रहा है यहाँ पर, श्वेत। तो सात अलग अलग रंग की किरणें मिल करके श्वेत प्रकाश की किरणों का निर्माण करती होंगी, और श्वेत प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से गुजरती हैं तो प्रिज्म इन रंग की किरणों को फिर से अलग अलग कर देता है, और वही हमें जो है अलग अलग कलर की पट्टियां या वर्ण क्रम दिखाई देता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, माने श्वेत प्रकाश की किरणों का, श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से होकर गुजरना, प्रिज्म से गुजरे होकर गुजरना हुआ अवयवी रंग की किरणों में अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देख लो जरा, हमने अब बताया, अब आप समझ गए कि जो हमें श्वेत प्रकाश दिखता है रियल में ये सात रंग की किरणों का मिक्सचर या समूह प्रकाश होता है, और मिक्सचर कलर जो है क्या दिखता है, श्वेत। लेकिन जब प्रिज्म से ये प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के कारण ये सभी प्रकाश अलग अलग हो जाता है, और हमें कुल सात रंग की किरण पट्टी या सात अलग अलग रंग के किरणों के प्रकाश दिखते हैं। इसी घटना को हम परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। शॉर्ट कट में डेफिनेशन दीपू शब्दों में बना सकते हैं, श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से होकर गुजरना और अवयवी रंग माने जिससे मिलकर बना प्रकाश,
उन रंगों की किरणों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो ये तो समझ गए कि वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है क्या, अभी समझाऊंगा कि ये क्यों होता है। तो पहले देखो जरा, ये कुनेसा बेटा एक त्रिभुजाकार त्रिकोण बना दिए, सभी को दिखा कि नहीं दिखा? त्रिभुजाकार क्या बना है, त्रिभुजाकार प्रिज्म दिख रहा है। अंकुर पांडे, ये एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है और इस प्रिज्म का नाम अगर हम कल्पना करें एबीसी है, तो ये हमारा कोण ए प्रिज्म कोण होगा, अपवर्तक पृष्ठ एबी और एसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ होंगे। अब यहाँ अगर हम कल्पना करें कि एक श्वेत प्रकाश की किरण ओपी यहाँ एंट्री कर रही है प्रिज्म में, कौन से प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर निकल रही है, यह हमारा श्वेत प्रकाश है, दिखाई दे रहा है सभी को, दिख रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरी, और आप जान रहे हो कि वायु से किरण कांच में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई है, और जब ये अभिलंब की ओर झुकी माने थोड़ा नीचे होगी तो मान लीजिए ऐसे, और ये ऐसे किरणें प्राप्त होगी प्रिज्म से होकर बाहर, कुल 7 रंग की किरणें निकलेंगी, कई रंग की किरणें प्रिज्म से बाहर निकलेंगी, 7 रंग की किरणें प्रिज्म से बाहर निकलेंगी, ध्यान दीजिएगा, रंग की किरणें बाहर निकलेंगी बेटा, 7 रंग की किरणें बाहर निकलेंगी। सबसे पहले जो किरण बाहर आएगी वो बी से, और उसके बाद आई, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर, ये 7 रंग की किरण पट्टी प्राप्त होती है। इस किरण पट्टी को वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ वी फॉर वायलेट से है, मीन्स बैगनी प्रकाश, समझ आया? आई फॉर इंडिगो, इंडिगो से मतलब है जामुनी, वी फॉर ब्लू, ब्लू का मतलब सभी जान रहे हैं, जी फॉर ग्रीन हरा प्रकाश, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी टाइप का, आर फॉर रेड, कुल इतने कलर की पट्टी हमें दिखने लगती है। कितने कलर की पट्टी दिखने लगती है बेटा, इधर क्लियर? तो ये आपके सामने जो घटना दिख रही है, यही घटना जो है वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण है। तो घटना एक बार फिर से समझ लीजिए, श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो अपने अवयवी रंग की किरणों में बट जाती हैं। श्वेत प्रकाश की किरणों का प्रिज्म से होकर गुजरना और अवयवी रंग की किरणों में विभक्त हो जाना, यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और 7 रंग की जो किरण पट्टी प्राप्त होती है इसे हम वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस वर्ण स्पेक्ट्रम का चित्र याद रखो, जैसे टेट या सुपर टेट वगैरह की एग्जाम होता है तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहता है कि नीचे की ओर पहले प्रकाश की किरण क्या होती है, तो सबसे पहले वर्ण स्पेक्ट्रम में कौन से प्रकाश की किरण आती है, वायलेट,
बैगनी प्रकार से खिला, फिर उसके बाद इंडिगो आती है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर धीरे धीरे ऐसे सभी प्रकाश की किरणें आती रहती है। यहाँ जो प्रकाश की किरणों का क्रम विप्योर है, VIBGYOR, इस रंग क्रम को वर्ण क्रम कहा जाता है। माने प्रकाश जो है प्रिज्म से जब गुजरता है तो बाहर निकलने वाला रंगों का क्रम विप्योर होता है। इसी क्रम में प्रकाश की किरणें बाहर आती हैं, पहले वायलेट कलर का आता है, फिर इंडिगो आती है, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। अभी देखो बच्चों, इस घटना का जिक्र करते हैं। जैसे अभी हम चार पांच लोग छत पर खड़े हो जाएंगे इस मकान के टेरेस पर, एकदम ऊपर छत पे, ठीक है, और नीचे जो है सात लड़के चयनित कर लिया जाए। क्या लड़के, हाउ मेनी, हाँ, रमेश, सुरेश, विमलेश, कमलेश, गमलेश, गणेश, हनेश, सात जने के इकट्ठा कर ली। एकाध जने बोटवार हो, एकाध जने पातर हो, एकाध जने लंबा हो, एकाध जने नाटा हो, ऐसे सात गदेला इकट्ठा कर ली नीचे, और आगे सामने खूब मैदान हो, और सातों कहीं एक साथ दौड़ा। तो बाहर मैदान खाली है, सातों जौड़ा है, एक स्पीड से दौड़ शुरू करें, कहता से एक स्पीड से, तो सातों जब एक स्पीड से दौड़ता है साथे साथे हवा में मैदान में, तो सातों एक साथे चलत रहे हैं। तो ऊपर से हमका क्या दिखाए कि जैसे एक लाइन या एक रेखा भागी चली जाता, सातों एक साथे रही है, एक कई स्पीड में रही है, तो सातों एक साथे जब भागत रही है तो ऊपर से तड़बे तो चले तो समझ में आए शाश्वत कि कौन एक लाइन या रेखा भागी चली जाता। इधर क्लियर पक्का। लेकिन अगर बाहर को दूर जाने के बाद हम गड्ढा करा दें, क्या गड्ढा करा दें, और उस गड्ढे में पानी भर, खूब सारा पानी कीचड़ भर दें, तो अब जो है इसका मतलब पहले हवा थी, वायु थी, और अब पानी का कीचड़ भर दिए तो माध्यम बदल गया। हवा में बड़े आराम से सब निकल जाते हैं, सब एक का स्पीड जात रहे, जबकि स्पीड प्रभावित ना रही, सबकी स्पीड समान बनी रही, या मैंने सब एक साथ ही जात रहे हैं, और ऊपर से देखे हमका लगातार दोनों लाइन से भागी चली जाता था, लगी थी सब मिक्स दिखाते रहे अंदर। लेकिन हम गड्ढा करा का भरा दे पानी, तो जब सातों आगे बढ़े तो हमें गड्ढा से दौड़े लगे, तो पक्का पक्का जो मन एक पातर दूबर हुए फोर्त हुए वो पहले सर से निकल जाए न, और जो जो है थोड़ा मोटवार हुए थुल थुल टाइप के वो उसी देर में जाए। तो अब अगर ऊपर से दिख गया तो सातों एक साथ दिखाइए, अलग अलग दिखाए लगे, सात तो थी दिखाए लगे कि ना, जो फुर्तीला हो, जे अस्मित की तरह हो पहले निकल जाए लुप से, और जो शिवांशु की तरह हो आधा घंटा बाद निकले, तो सब देर से भेद दिखाइए कि ना, तो सात अलग अलग दिखाइए कि ना, तो काहे अलग अलग दिखाए, कैश की माध्यम बदला, और हर व्यक्ति के चाल बदल गए। जे कह चाल ज्यादा रहे वो पहले निकल गया तो उनको पहले दिखाएंगे, दूसर का उसी थोड़ी सी देर बाद आए तो बहुत देर में दिखाए, अब सात रंग की पट्टी दिखाए न दिखाए, तो वही चीज यहाँ पे है। प्यारी बच्चों ध्यान सुनो, वैगनी प्रकाश की किरण, क्या बोले हम, ध्यान सुनो, कोई बताएगा नहीं इतना बढ़िया उन्हें सा नहीं पढ़े हो, क्लियर नहीं रहा होगा, आज क्लियर करा रहा हूँ। बैगनी प्रकाश की किरण, इंडिगो प्रकाश की किरण, ब्लू प्रकाश की किरण, ग्रीन प्रकाश की किरण, और ऑरेंज प्रकाश की किरण, लाल प्रकाश की किरण, नीले प्रकाश की किरण, जो भी है सबका वायु या निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर/सेकंड एक बराबर होती है। मतलब समस्त रंग के प्रकाश के किरणों की वायु में या निर्वात में चाल क्या होती है, समान। तो जब हम प्रकाश को वायु में या निर्वात में देखते हैं तो सब एक ही चाल से दिखते हैं, माने सब मिक्स होकर के श्वेत रंग का दिखते हैं। लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है, कांच में प्रकाश जाए या जल में प्रकाश जाए, तो भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की किरणों की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। और बच्चों जब किरणें वायु से कांच में हमारे प्रिज्म में प्रवेश की तो बैगनी प्रकाश की किरण की चाल अन्य सभी प्रकाश के किरणों की चाल की अपेक्षा ज्यादा थी कांच में, इसलिए वो पहले से निकल के आई फोन से अलग हो गई तो हमको अलग दिखी, और किरणों के रंगों की चाल जो है इससे कम थी तो और सब रंगों के प्रकाश बाद में निकले, एक एक के बाद निकले, तो सब अलग अलग हमें दिखे, और हम इसी घटना को भवकांत मार दिए वर्ण विक्षेपण। तो साक्षात में उनेसा के शब्दों में बोल सकते हैं, वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण की घटना का एकमात्र कारण भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की किरणों का भिन्न भिन्न माध्यमों में चाल का अलग अलग होना है।
ठीक शॉर्टकट बोल सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ गई, कभी भूलेगा नहीं ना। भिन्न भिन्न प्रकाश के किरणों की चाल मंदेप, भिन्न भिन्न प्रकाश के किरणों की चाल वायु या निर्वात में एक समान होती है, इसलिए वायु या निर्वात में समस्त रंग एक ही स्पीड से चलने के कारण एक साथ चलते हैं और प्रकाश हमें केवल और केवल श्वेत दिखता है, लेकिन माध्यम बदलने पर भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के किरणों की चाल बदल जाती है और इस कारण जो है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग किरणों में चलता है और हमें वर्णविक्षेपण या प्रक्षेपण की घटना प्राप्त होती है। जब जो है श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरा, प्रिज्म यानी कांच से होकर गुजरा, तो कांच में समस्त रंगों के प्रकाश के किरणों की चाल भिन्न भिन्न थी, अलग अलग थी। जिस रंग के किरण की चाल अधिक थी वह रंग का प्रकाश सबसे पहले बाहर आया प्रिज्म से, और बाकी रंगों के किरणों की चाल इसकी अपेक्षा कम थी तो बाकी रंग की किरण जो है बाद में आई पहले की अपेक्षा, और इसलिए सात रंगों की किरणें अलग अलग प्रिज्म से बाहर आई और अलग अलग समय में आई, माने वो अलग अलग दिखी, हमें वर्णविक्षेपण या प्रक्षेपण की घटना प्राप्त हुई। तो अगर हमसे कोई शॉर्टकट में पूछे कि बेटा परिक्षेपण क्यों होता है या वर्णविक्षेपण क्यों होता है, तो हम सुचिंता जी बता देंगे कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के किरणों की चाल वायु या निर्वात में समान किंतु अन्य माध्यमों में अलग अलग होती है, और इसी कारण जो है वर्णविक्षेपण या प्रक्षेपण होता है। यह श्वेत प्रकाश में सभी किरणें एक जैसे स्पीड चल रही थी, एक साथ चल रही थी तो मिक्स होकर श्वेत दिख रही थी, कांच में चली तो सभी अलग अलग स्पीड से चली, कम ज़्यादा स्पीड में चली इसलिए कम ज़्यादा समय में आई बाहर, और इसलिए जो है वर्णविक्षेपण या प्रक्षेपण की घटना हुई। समझ आया? तो प्रक्षेपण क्यों होता है? प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों के किरणों की चाल का भिन्न भिन्न होना, ठीक है। और बच्चों यहाँ परिक्षेपण में एक खास बात ध्यान दीजिएगा, आपको आज बता दे रहे हैं कि हमने अभी बताया कि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं टेक्निकल साइंस के, वो इससे रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। क्या ध्यान से देखो, ये जो वर्ण क्रम है वी आई बी जी वाई ओ आर दिखाई दे रहा है, इसमें बेटा अगर नीचे से ऊपर की ओर हो, किधर से किधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, माने किस रंग से किस रंग की ओर, बैगनी से लाल, तो दूरियां बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ती है, प्रकाश में लंबाई दो होती है, तरंग दैर्ध्य होती है और फोकस दूरी, तो क्या क्या बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य, फोकस दूरी, क्या होती है। अब अगर हमसे कोई कहे किस प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ऊपर, लाल प्रकाश है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सात क्वेश्चन बनते हैं, कहे किस प्रकाश रंग के प्रकाश के फोकस दूरी सर्वाधिक होगी, लाल प्रकाश की, कहे कि नीले और हरे प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, किसमें किसमें कहे नीले और हरे प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य अधिक, तो हरे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक क्योंकि हरा ऊपर है नीले से, तो इसको याद रहोगा तो आप पांच छह क्वेश्चन बन गए कि नहीं, इसमें किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा, किसका फोकस दूरी ज्यादा, किसका तरंग दैर्ध्य कम, किसका फोकस दूरी कम, आप इस चित्र को देखकर बता लोगे, ये मेरी स्टाइल में चित्र बना हुआ है। फिर और आगे देखो, फिर लिखते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, बच्चों कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, उन हिसाब की बार अगर हम ऊपर से नीचे की ओर चले, किधर से किधर की ओर बढ़े, ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे की ओर बढ़े, ऊपर से नीचे की ओर, तो ध्यान से समझिएगा, प्रकाश की चाल क्या, प्रकाश की चाल अपवर्तनांक प्रकाश का, और प्रकाश का प्रकीर्णन ये बढ़ेगा, तो गौर से देखो कौन कब क्या बढ़ रहा है। जब हम
ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ऊपर से नीचे की ओर का मतलब अगर हम लाल से बैगनी की ओर चले तो धीरे धीरे अपोत्तरण ज्यादा होता जाएगा, चाल ज्यादा होती जाएगी, प्रकीर्णन। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किस प्रकाश का है? सबसे अधिक चाल किसकी है? सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? इधर क्लियर? ऐसे ही पूछे सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा? लाल। तभी तो खतरे के निशान लाल कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका प्रकीर्णन नहीं होता, कम होता, फैलता नहीं, वही का वही बना रहेगा। तो दूर से ही पता लग जाएगा कि वहाँ लाल है, खतरा है। ट्रेन जान जाएगी कि लाल बत्ती जल रही है, ड्राइवर देख लेगा दूर से ही, रोक देगा ट्रेन को। और कोई कलर का होता तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता, दूर तक फैल जाता, दूर से समझ में आता कि वहाँ वो रंग है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कारण बताओ, क्वेश्चन बहुत बनेंगे इस पर। तो आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी, समझ आए? तो आप समझ रहे हैं।